उपमंडल संग्रहा के साथ लगता गांव सेंजघाट में बिजली की लापरवाही सामने आई है। स्थानीय अशोक कुमार ने बताया कि दो पोल की इतनी दयनीय स्थिति है कि कभी भी पोल गिर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार गांव में बड़े बड़े हादसे हो गए बिजली की लापरवाही के कारण। इस बारे में कई बार के साइकिल SDO ददाहू में कई बार सूचना दी है, पर वो इसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देते क्योंकि बर्फ के कारण से दो पोल टेढ़े हो रहे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं और किसी की भी जान जा सकती है। और यहाँ मासूम बच्चे खेलते हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिसकी जिम्मेवारी बिजली विभाग की होगी। अशोक जी क्या दिक्कत है? दिक्कत और तो कुछ नहीं है जी, जो हमारे यहाँ पे सेंजघाट से जो मंदिर वाली लाइन है ऊपर को ना, यहाँ पे तो यहाँ पे दो पोल ऐसे है जो सड़क के साथ ही है, तो ये पोल बिल्कुल टेढ़े हो रहे हैं। तो मतलब इसके जो तारों की स्थिति है वो बिल्कुल ऐसे नाजुक बनी हुई है और पोल की स्थिति बिल्कुल नाजुक है। और साथ में यहाँ पे जैसे मतलब जो तार है ना, अगर ये पोल गिर जाता है कई बार, अगर गिर गया जैसे बरसात हो रही है आजकल, बारिश हवाएं तेज चलती है, उस कारण कहीं पोल गिर गया तो नुकसान, मतलब तो जैसे बेल यहाँ पे आते हैं हमारे सड़क के आसपास है बेल, तो कहीं उनमें करंट लग जाए, घर के आसपास बच्चे वगैरह यहाँ पे रहते, तो उन पर कोई तार गिर जाए या पोल गिर जाए तो नुकसान रहेगा, इससे दुर्घटना का खतरा रहता है जी। हमारे जो साथी गाँव है शिवपुर, पिछले महीने कुछ महीने पहले वहाँ पर भी ऐसे ही एक तार गिरी थी जिसमें कि एक बेल मर गया था। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई घटना हमारे गाँव में हो, तो मेरा हमारे विभाग से अनुरोध है कि कम से कम इसके बारे में थोड़ा जागरूक हो। हमने इसके बारे में जी जो हमारे SDO है KK सहगल जी, उनसे भी इसके बारे में काफ़ी बार सूचना, फ़ोन पे सूचना दे दी, वैसे उनको बता दिया पर इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे। बाकी SDO साहब जो विशाल सर है हमारे, उनको भी काफ़ी बार सूचना दे दी पर इसके बारे में बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे। कि आपके माध्यम से कम आपके माध्यम सूचना पहुँचाए कि वो थोड़े जागरूक रहे, जो तार है इसके बारे में थोड़ा कम से कम इसको सही ढंग से, पोल को सही ढंग से लगाए यहाँ पे, ताकि लोगों को कोई ऐसी दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। तो अब तो विभाग तो इसके बारे में कोई जिम्मेवारी ले नहीं रहा जी, अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, अब हम तो हादसे के बारे में क्या कर सकते हैं जी। बाकी अब तो जब बिजली का यहाँ पे सरकारी लाइन लगी हुई है तो हादसे के जिम्मेवार बिजली विभाग ही रहेगा, हम कहाँ से भरेंगे जी, कहाँ से हम क्लेम भरेंगे इतना। अब तो हमारे घर में अगर कभी भी पोल घिरता है तो विभाग इसकी पूरी जिम्मेवारी लेगा जी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सिरमौर से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।